दोस्तों, क्या आप भी उन्हीं में से हैं जो हमेशा अपने हैप्पीनेस के बारे में सोचते रहते हैं, यानी कि खुद की खुशी के बारे में नहीं, खुद को खुशी कैसे मिलेगी उन्हीं मैटर्स के बारे में सोचते रहते हैं? अगर हाँ है आपका जवाब, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मी थ्री यूट्यूब चैनल। इसमें मैं आपको तीन चीजों के बारे में हमेशा बताता रहूंगा, वो है फैशन, लाइफस्टाइल और मोटिवेशन। दोस्तों, इसी बारे में मैंने आज आपके सामने ये वीडियो लेके आया, जो कि है पांच रीजंस दैट मेक्स यू अनहैप्पी। आप लोग ना खुश रहने के पीछे पांच ऐसे रीजंस हैं जो हमेशा आपको याद रखना चाहिए, और उस पांच रीजंस को याद अगर आप लोग रखते हो तो उस रीजंस को कैसे सुधारा जा सकता है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। बने रहिए इस वीडियो के साथ, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहला रीजन जो हमें हमेशा अनहैप्पी रखते हैं, ना खुश रखते हैं, और वो है हम खुशी ढूंढते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत सारे लोगों को देखा ऐसे कि मेरे साथ भी होता है कभी कभी कि हम लोग खुशी ढूंढते रहते हैं। कुछ भी करने जाते हैं तो उससे करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि उसमें खुशी मिलेगी या नहीं। हम लोग हर एक चीज़ों में खुशी ढूंढते रहते हैं, जो कि एट लास्ट हम लोग को ना खुश होने में मजबूर कर देता है। और इसी रीजन के साथ जुड़ा हुआ है हमारा सेकंड रीजन, लेकिन सबसे पहले ये पहला रीजन को हम लोग थोड़ा सॉल्व आउट कर देते हैं। डू नॉट सर्च फॉर हैप्पीनेस। कभी खुशी को ढूंढो मत, खुशी हमारे पास हमेशा है, बट द रीजन इज हम इसे ढूंढते रहते हैं। हम ढूंढते हैं इसीलिए नहीं पाते। कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हम लोग के हाथ के सामने ही कुछ एक चीज रखा हुआ है, लेकिन हम लोग उसे इतना ढूंढते हैं और इतना ढूंढते हैं, वो हमारे सामने से गायब ही हो जाता है। लेकिन जब हम लोग उसे ढूंढने का कोशिश छोड़ देते हैं, तभी अचानक से आँख पड़ते ही हमें दिखाई देता है कि अरे वो रिमोट तो हमारे सामने पड़ा हुआ है, अरे वो फोन तो मेरे सामने पड़ा हुआ है, अरे वो चाबी तो मेरे सामने पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम उसे ढूंढना छोड़ देते हैं उस टाइम। तो हमें हमेशा खुशी को ढूंढना नहीं चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं, जब भी जिस जगह में हम लोग हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास खुशी ऑलवेज है। हम उसको कैसे सेलिब्रेट करें, दैट्स द थिंग। इसी के साथ मैं सेकंड रीजन में आ रहा हूँ, और ये जो सेकंड कारण है, दूसरा जो कारण है हम ना खुश रहते हैं, वो पहला कारण से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने पहला कारण बोलते वक्त आप लोगों को बता ही दिया था कि हम लोग खुशी ढूंढते रहते हैं, और कैसे खुशी ढूंढते हैं, मतलब खुशी जो हम लोग ढूंढते हैं वो हम लोग कैसे ढूंढते हैं, किस प्रकार से ढूंढते हैं। हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हम कुछ भी करते हैं ना, उसके साथ में एक्सपेक्टेशन जुड़ा रहता है। हम ये करेंगे तो हमारे साथ काश ये हो जाए, हम वहाँ जाएंगे तो हमारे साथ काश वो हो जाए, हम ये वीडियो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो काश मेरे को कुछ मिल जाए। मिल रहा है मुझे, वो है खुशी, और मेरा खुशी आप लोग हैं। जो भी हो, हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। ये मेरा दूसरा रीजन है, एक्सपेक्ट करना छोड़ना चाहिए। हम लोग जो भी कर रहे हैं उसी वक्त प्रेजेंटली जो चीज कर रहे हैं उसमें हम लोग को बिल्कुल 100% देना चाहिए। जो भी कर रहे हैं जहां भी है, हम लोग को 100% उधर ही रहना चाहिए, तभी जाके हम लोग को मिलेगा 100% खुशी। और 100% खुशी तभी मिलता है एक्सपेक्टेशन को खत्म करने से। मतलब घुमा फिरा के बात एक ही हुआ पहला रीजन और दूसरा रीजन में, कि हमें खुशी ढूंढना नहीं चाहिए, और ढूंढते कैसे हैं, एक्सपेक्टेशन के जरिए से हम लोग ढूंढते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ही अगर मिटा देंगे तो हमारे अंदर कुछ सैडनेस रहेगा ही नहीं, हम जो भी करेंगे सेटिस्फाइड होकर करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं तीसरा रीजन, जो कि अभी यंग पीपल्स को बोलो या फिर थोड़ा एजेड लोग भी उस हैबिट में आ रहे हैं, जो हैबिट हम सबको मजबूर कर देता है अनहैप्पी रहने का, वो है ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया को ओवर यूज करने से हम सब कभी ना कभी दिन में कोई ना कोई वक्त पे हम लोग थोड़ा ना थोड़ा सैड हो ही जाएंगे। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम सभी लोग ऐसे हैं कि हमारे खुशी के वक्त ही हम लोग उस खुशी के मोमेंट को ही हम लोग कैप्चर करके या फिर सेलिब्रेट करते हुए हम लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं। जैसे कि हम लोग ये करते हैं, सारे समाज के सारे लोग, मैक्सिमम लोग यही करते हैं, अपने सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट्स को पकड़ के उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डालते हैं।
सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, कोई भी पकड़ लो, हम मैक्सिमम मतलब 99.99% लोग ही अपने हैप्पीएस्ट मोमेंट को पकड़ के सोशल मीडिया पे डालते हैं, ना कि ऐसा अपना जो सैडेस्ट मोमेंट है, जो सबसे खराब मोमेंट है, उसका पिक्चर उठा के सोशल मीडिया पे डाल दे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, हमें पता ही नहीं रहता है कौन किस वक्त से गुजर रहा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि वो सेलिब्रेट कर रहा है, वाह क्या बात है, उसने ये खरीद लिया, वाह क्या बात है, उसने वो खरीद लिया, वाह क्या बात है, उसने वहां गया, वहां ट्रेवल किया, बहुत बढ़िया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा फीलिंग जब हमारे अंदर दूसरों को देखते हुए सोशल मीडिया पे ये आ जाता है, ये वाला वर्ड कि ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना खुश क्यों नहीं, ये जब हम लोग सोचते हैं हमारे अंदर अनहैप्पीनेस आ जाता है। लेकिन हम लोग ये सोचते नहीं है, इतना देखते हैं उन लोगों का पोस्ट, हम लोग ये सोचना भूल जाते हैं कि वो उसका असली स्टोरी क्या है, उसका जो ये खुशी है उसके पीछे कितना स्ट्रगल्स छुपा हुआ है, उसने जो ये खरीदा उसके पीछे उसका लाइफ का कितना सारा कंट्रीब्यूशन छुपा हुआ है, उसने जो वहाँ पे ट्रेवल करके सक्सेसफुली पहुँच गया उसके पीछे न जाने कितना ऐसे मोमेंट्स है जो कि वो अनशेयरेबल है उनके लिए, हो ही सकता है। तो इसीलिए ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया हमें बंद करना चाहिए। सोशल मीडिया यूज करो लेकिन एक लिमिटेड दिन में, एक टाइम सेट कर लो उसमें आप लोग पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, और थोड़ा बहुत वो सक्सेसफुल लोगों का, हैप्पीएस्ट पीपल का बैकग्राउंड भी सोचा करो कि कैसा रहा होगा उन लोगों का बैकग्राउंड। एनीवे, इसी के साथ हम लोग फोर्थ रीजन की तरफ चलते। फोर्थ रीजन है ओवरथिंकिंग, फिर से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं से 1, 2 और 3 नंबर रीजन से ओवरथिंकिंग। ये जो तीन रीजन हम लोगों को पता चला, इन तीनों रीजन के बाद हम लोग के दिमाग में जो चीज पैदा होता है वो है थिंकिंग, चिंता। और चिंता जब ज्यादा हो जाते हैं चिंतामणि बोला जाता है, और थिंकिंग यानी कि चिंता जब ज्यादा हो जाता है इंग्लिश में उसे ओवर थिंकिंग बोला जाता है, और जो कि बहुत 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 ज्यादा हानिकारक है हमारे हेल्थ के लिए भी, हमारे मन के लिए भी, और हमारे लिविंग स्टाइल में भी, लाइफ स्टाइल में भी। ओवर थिंकिंग हमें सोचना चाहिए। ओवर थिंकिंग क्या है हमें लगता नहीं मुझे ज्यादा इलाबोरेट करना पड़ेगा आप लोगों के सामने, क्योंकि ये आप लोग हर रोज करते हैं। हम लोग कोई भी टॉपिक उठाते हैं, हर एक चीज में हम लोग ओवरथिंक कभी ना कभी करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए और हमें ये चीज छोड़ना चाहिए। और जैसे कि ये चैनल ही डिपेंड करता है तीन मेन टॉपिक्स के ऊपर, एक है फैशन, दूसरा है लाइफस्टाइल, तीसरा है मोटिवेशन, और इन तीनों चीजों में ओवरथिंकिंग को डिलीट करना चाहिए, तभी जाके एक अच्छा लाइफस्टाइल आपका बन पाएगा। इसी के साथ मैं चलता हूँ फिफ्थ एंड द लास्ट रीजन। जो पांचवा रीजन है वो एक कॉमन रीजन है हम सबके लिए, और पांचों रीजन मैंने जितना भी बोला सभी कॉमन रीजन है हम सबके लिए, लेकिन पांचवा रीजन अगर आप लोग याद रखो तो वो चारों रीजन को आप लोग टैकल कर सकते हो। और फिफ्थ रीजन, पांचवा रीजन ये है कि हमें अपना हैप्पीनेस का सोर्स खुद के अंदर ढूंढना पड़ेगा। हम जो जिंदा है वो कभी आपने सोचा? हम जो चल पा रहे हैं वो कभी आपने सोचा? आप जो हेल्दी है वो आपने कभी सोचा? क्या आप जिस रूम में रहते हो उस रूम को कभी ठीक से निहारा? नहीं, हम ये सब करना भूल ही जाते हैं। हम लोग इतना बिजी हो चुके हैं लाइफ में कि हम लोग छोटे छोटे चीजों को देखना ही भूल जाते हैं, और वो छोटा छोटा चीज हमारे खुद के साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं से। तो किसी और चीजों को अपना हैप्पीनेस का सोर्स ना बना के ट्राई करके देखो खुद को अपना हैप्पीनेस का सोर्स बनाने का। अगर ये चीज आपने कर पाया तो सोच लीजिए आपको हैप्पी होने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता। यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वी ऑल आर द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट द थिंग इज द लाइफ इज लाइक ईसीजी रिपोर्ट, अप्स एंड डाउन्स रह गए, वो अगर फ्लैट गया देन इट इज गॉन। सो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमारा खुशी का सोर्स हम खुद है। तो खुद को कभी देखो, हम जिंदा है, हम सांस ले पा रहे हैं, दैट्स द मेन थिंग, दैट शुड बी द मेन रीजन टू बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और बीइंग ए ह्यूमन, हमारे पास सब कुछ है, तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ, आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगर
थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा ये वीडियो करने पे ही से, ये पांच पॉइंट एकदम बेसिक सा पॉइंट है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगा कि ये बेसिक पॉइंट्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महंगा पॉइंट्स है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और आप इस चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं फैशन, लाइफस्टाइल और मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमेशा अपलोड करता रहूँगा और ऐसे ही आपके साथ बातचीत जारी रहेगा। तो इसी के साथ दोस्तों, स्टे ट्यून्ड विद मी, स्टे ट्यून्ड विद मी थ्री यूट्यूब चैनल। आशा रखता हूँ कि आप सब लोग खुश रहेंगे, खुश है, अंदर से खुश है, और ऐसे खुश रहिएगा। कीप स्माइलिंग, बी ओरिजिनल।